मेरा राजा बेटा, बिल्कुल नहीं रोते। मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ औरत बच्चा लेके जा रही है ना उसके पीछे। निकाल, छोड़ छोड़ इसको, चल निकल जल्दी निकल। जाओ मैडम। भाई साहब मेरी चेन लेके भाग गया, पकड़िए उसे, पकड़िए। चिंता मत करो मैं अभी लाता हूँ। मेरी चेन लेके भाग गया आदमी। निकल गया हाथ से। वो चोर मेरी चेन लेकर चला गया है, अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चे का इलाज कहां से कराऊंगी? अब रोने से क्या फायदा, ये लो पानी पी लो। बहन जी चीखने चिल्लाने से क्या होगा, जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखो। अरे अरे हटो जरा, बाजू हटो, देखने तो क्या। अरे ये तो मिन्नू है, क्या हुआ, क्या हुआ मिन्नू? ताई ताई वो चोर मेरी चेन लेके चला गया। ताई चेन किसके लिए गया? वो यहाँ क्या कर रही थी? ताई मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी ताई, उसके पेट में ट्यूमर है और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बोला है ताई। मैं तो उसे चेन के भरोसे थी कि वो चेन बेच के उसका ऑपरेशन कराऊंगी। ताई मैं अब क्या करूंगी? मत रो मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाई आजकल यहाँ रोज चोरियां हो रही, क्या जो इनको चेन पहन के निकलेगी? अरे जब चेन है तो पहनेगी ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? चोर को पकड़ नहीं सकते थे? हमारे आने के पहले वो निकल गए थे ताई। तुम मदद तो कर नहीं सकते, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और अब जान बखार रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ। चल बेटा चल, चलो चलो। लेकिन ताई ताई आदेश को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ले जाएंगे, 10 मिनट बाद ले जाएंगे, इस हालत में हॉस्पिटल जाएगी? पहले आराम कर ले, घर चल, इस हाल में जाएगी तो। चलो चलो चल। अरे हटो हटो यहाँ से, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं बस। आ जाओ, आओ, आजा बेटा, चल, आजा, यहाँ बैठो, बैठो दोनों। अरे ताई आप यहाँ? तू यहाँ घर बैठा बैठा क्या कर रहा है? मीनू के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? अरे शुक्र मनाओ कि इन दोनों की जान बच गई, वरना उन बदमाशों ने तो इनकी जान ही ले ली थी। क्या हुआ क्या? अरे किसी ने इसके गले से चेन खींच ली, देख गले पे चोट भी लगी है। अस्पताल जाएगा ना तो इसका इलाज भी करवा देना। ताई मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ, 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई, अनुज के पेट में ट्यूमर हो गया। मैंने ही कहा था मीना को कुछ दिन के लिए सोने की चेन अपने गले में पहने रखो, जब अनुज का इलाज होगा हम ये चेन बेच देंगे। हर्षद हमारी आखिरी हॉस्पिटल चली गई, हम अनुज को कैसे बचाएंगे हम लोग? अरे कैसी अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो तुम दोनों, कुछ नहीं होगा अनुज को, मैं हूं ना। लो ये लो, इसे रखो, ये इसके इलाज के काम आएगी। नहीं नहीं ताई हम ही नहीं ले सकते, ये आपके पति की आखिरी निशानी है, यह आपके लिए अनमोल है। अनमोल है लेकिन अनुज के इलाज से या तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा अनमोल नहीं है। लो रखो इसे। नहीं ते जब हमें जरूरत पड़ेगी
तो हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास, जब भी जरूरत हो ना तो मांग लेना। और अब मैं ना यहाँ से सीधा मंदिर जाऊंगी और अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अनुज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और तुम ना जाते जाते पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा देना। अपना ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे अभी वाशु को किराया भी देना है। अरे तू जा रहा है वासु? आप आ गई ताई, मुझे तो लगा कि आपके टाइम पे आने वाले प्रतिज्ञा आज टूट जाएगी। अरे बेटा, मैं तो सीधी तुम्हारे ही घर आ रही थी, वो रास्ते में मीनू मिल गई। उस बेचारी के गले से किसी ने ना सोने की चेन खींच ली, उसका बेटा भी बीमार है, बस उसे लेकर सीधा उसके घर छोड़ा और अब तुम्हारे पास आ गई। आप यहाँ क्यों खड़ी है? आई ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाना है ना, ये लो इस महीने का किराया। थैंक यू सो मच ताई। ताई मैं सोचता हूँ कि अगले महीने से मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्यों किराया नहीं लोगे? मैं किराएदार हूँ, तुम मकान मालिक हो, किराया तो लेना ही पड़ेगा। ताई आप मेरे लिए किराएदार से बढ़कर हैं, आप मेरी ताई, हम सब की ताई। और जब से मम्मी पापा थे तब से आप उस घर में रह रही। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन रिश्ते ही अपनी जगह है और पैसे अपनी जगह। अच्छा ताई, मैं अभी नागपुर जा रहा हूँ, बेला दीदी के यहाँ। अरे एक मिनट, ये ना मेरी तरफ से बेला को दे देना। अरे वाह, मुझे लगा आप भूल गई, वैसे भी आपके हाथों की बनी पूरन पोली उसे बहुत पसंद है। अच्छा ताई अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन एक घंटे में है। हाँ हाँ चलो चलो बेटा, मैं अब यहाँ से ना सीधा मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा ताई मैं बाइक से जाऊंगा, स्टेशन पे बाइक पार्किंग में जमा कर दूंगा, फिर वहाँ से ट्रेन से निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, बाइक ध्यान से चलाना। जी ताई। ठीक है बेटा। ताई आराम से ए! अरे उठ जा भाई, उठ, आ जा, ओके? ए उधर नहीं, इधर, घर इधर है। हे भगवान, सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं ये लोग। अरे ताई, तुम मेरे बार को क्यों घूर रही हो? मुझे पता है कि तुम मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई, देखता हूं कि कौन मेरा बार बंद करा। अरे ताई तुम यही खड़ी हो, गए नहीं अब तक? देखा तुमने वासु, ये रॉबर्ट ने अपना धंधा सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है और मुझे डराने के लिए कैसे घूर रहा था। अरे ताई तुम्हें मंदिर के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन इसका बार मैं बंद करवा के रहूंगी। ताई तुम भी किस झमेले में पड़ रही हो? अरे मुझे किसी झमेले की चिंता नहीं है, लेकिन इसका बार तो मैं बंद करवा के ही रहूंगी। ताई रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है, इससे उलझना ठीक नहीं है। क्या करेगा, मार देगा ना मुझे जान से। कोई बात नहीं वासु, अच्छा होगा, थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी तुम्हारे अंकल के पास। ताई आप समझने की कोशिश करो। सब समझती हूँ, बहुत जल्द पुलिस कमिश्नर के पास जाके इसकी शिकायत करूंगी। अरे वासु तुम जाओ ना, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, जाओ 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 तुम। ठीक है मैं चलता हूँ। पता नहीं हर्ष भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हर्षद जी जरा एक मिनट बाहर आइए।
आई एम सॉरी, बच्चे का ट्यूमर बढ़ गया है, अब इसको ऑपरेशन करके ही निकालना होगा। डॉक्टर, ये दवा से ठीक नहीं हो सकता। जी नहीं, और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग जितना लेट करोगे बच्चे के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? कम से कम 60-70 हज़ार रुपए। 60-70 हज़ार? मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ, बट फिर भी मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी कि वो मेरी फीस का चार्ज ना ले। लेकिन मेडिसिन और हॉस्पिटल के लगभग खर्चे मिला के 50 हज़ार आपको देने होंगे। टेक केयर। मम्मी, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? नहीं मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मीनू, हमें अब तुलजाताई की मदद लेनी होगी, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हर्षद, कुछ भी करो, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे तुलजाताई, मंदिर जा रहे हो? हाँ हाँ। तो आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। और ताई, कैसे हैं सब बाकी? सब बढ़िया। क्या ताई, आज इतनी देर हो गई? अरे बेटा, भगवान ने कुछ जरूरी काम दे दिया था, वो ही निपटा के आ रही हूँ मैं। हाँ ताई, आप भी भला किसी की मदद करने से चूकते हैं। क्या करूँ बेटा, अब तो आदत ही हो गई है। तुम्हारे बबलू का क्या हाल है? बबलू एकदम ठीक है ताई, बहुत अच्छा है और स्कूल भी जा रहा है। अगर आप बबलू की फीस ना भरते ना ताई, तो मेरा बबलू आज स्कूल नहीं जा पाता। धन्यवाद ताई। अरे बेटा, मैं तो यही समझती हूँ, हर बच्चे को पढ़ाई का हक है, पढ़ना जरूरी है बेटा। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। इसीलिए आप आसपास के मंदिर छोड़ के इतना दूर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हें पता है ना, प्यार करने वाले सबसे छुप छुप कर अकेले में मिलते हैं, और भगवान भी ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो अकेले में बुलाते हैं मिलने के लिए। ताई आप भी ना, बातों में आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। पर ताई, वो सुनसान मंदिर है, कभी कुछ हो गया तो? अरे रमेश बेटा, होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। अरे कुछ होना होगा ना रमेश, तो घर बैठे भी हो जाएगा, तेरी रिक्शा में भी हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है। अरे, अरे, रमेश, छोड़, जाना नहीं चाहिए। ये फोन लो, इसके लास्ट डायल नंबर पर है ना, मेरे दो दोस्त हैं नाके पर, उनको बोलो कि ये दो छोकरे आ रहे हैं, इनको पकड़े। हेलो, हाँ रमेश। अरे मैं रमेश नहीं, रमेश की ताई बोल रही हूँ। सुनो, आगे ना मोटरसाइकिल पे दो लड़के जा रहे हैं, चोर है वो, चोर, पकड़ो उन्हें। कहाँ पर हो आप लोग अभी? वो ना बोलू पान वाले की दुकान की तरफ से आ रहे हैं, पकड़ लेना, जाने नहीं देना। अच्छा, अभी आते हम लोग। चलो, चल। भागने नहीं चाहिए। नहीं नहीं ताई, नहीं भाग पाएंगे वो। Mario, ¡Mario! 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 ¡
तू मेरी ताई की चेन छीन रहा था, बोल। अरे 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 रमेश, अरे चोट तो नहीं लगी? अरे अरे ये ले, भाग गया। ताई, आज अगर आपका चेन चला जाता ना, तो कसम से अपन को बहुत दुख होता। अरे रमेश बेटा, मुझे अपने चेन का फिक्र नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि बदमाश गरीबों के जीवन भर की पूंजी लेकर भाग जाते हैं। चलो ताई, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ, आज तो भगवान भी आपका देर पे देर कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, भगवान सब देख रहा है, उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। चलो ये लो ताई, आ गया आपका फेवरेट मंदिर। हाँ। अरे रमेश बेटा, तुम रुकोगे ना, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ ताई, आप आज है ना अपने भगवान से आराम से बात करना, क्योंकि मैं ना ऑटो में गैस भरवा के बस 10-15 मिनट में वापस आया। ठीक है, आज मुझे भी अपने भगवान से बहुत सारी बातें करनी है, तुम जाओ अपना काम करके आओ। ठीक है ताई। अरे पैसे दूं क्या? अरे नहीं नहीं ताई, मेरे पास है। ठीक है। ताई, आ गई हैं आप? अरे गोपू भाई, मैं इतना दबे पांव आई, फिर भी तुम्हें पता चल गया? ताई, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन सुनने और समझने की ताकत बढ़ा दी, और आपकी आहट तो मेरे कानों में 10 सालों से बसी है। ये लो गोपू भाई, तुम्हारे लिए। ताई, भगवान हर रोज सोमवार कर देता तो आप रोज आती ना? अरे गोपू, भगवान ने ना अपने तरीके से दुनिया बनाई है और अपने तरीके से चलाता भी है। ठीक कहा ताई, उसकी लीला है, वही जाने। मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ ताई। रुबीना, मेरा पेमेंट छोड़ के बाकी सारे पेमेंट्स क्लियर कर दो, और देख लो कुछ डिस्काउंट हो जाए तो। जी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। 7,342। हेलो, क्या तुझे ताई? काय झालं तुझे ताईला? तुळजाताई की मौत हो गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता अर्शद, ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हुए किसी ने तुळजाताई का खून कर दिया, उनके गले की सोने की चेन भी लेकर चला गया। लगता है किसी धार धार हथियार से वार किया, शायद इतना चौड़ा कोई चाकू वगैरह हो। बिल्कुल, ये देखो बस, इसके मुंह पर ये उंगलियों के निशान, लगता है किसी ने मुंह दबाया इसका। सही है, देखिए ये निशान कैसा है। सर, शायद गले से चेन खींची हो। हो सकता है, वैसे औरतें तो अपने गले में चेन तो पहनती ही हैं। हो सकता है किसी ने चेन खींचने की कोशिश की और लेकर भाग गया हो। काम करो, आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। देखो भैया, मैं CID से
एसीपी प्रद्युमन, यहाँ पर जिस औरत का खून हुआ है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जानते हो आप? हाँ साहब, हाँ। काश मेरी आंखें होती तो मैं उन्हें बचा लेता, मैं मजबूर था साहब। क्या तुम जानती हो इनको? हाँ साहब। कौन है ये? तुलजाताई। तुलजाताई? हाँ साहब, हर सोमवार को यहाँ मंदिर में आती थी। हुआ तो बहुत बुरा, मगर कुछ तो सुना होगा ना तुमने? कुछ तो सुना तो होगा, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी होंगी, और भी कुछ सुना होगा, कुछ याद आता है? हाँ साहब, तुलजाताई जब मंदिर आई, मैं सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था, मुझे कुछ खाने का सामान देकर वो मंदिर चली गई। तभी मैंने दो और लोगों की मंदिर आने की आहट सुनी, मुझे कुछ गड़बड़ लगा, दो लोग चुपचाप खड़े क्यों हैं? शायद दोनों छिपकर किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंदिर में तो सिर्फ तुल्या ताई थी। तभी मैंने तुल्या ताई की आने की आहट सुनी, लेकिन ताई मुड़कर वापस भाग गई। शायद तुल्या ताई ने दोनों को देख लिया होगा और उन्हें खतरे का एहसास हुआ होगा। तभी उनमें से एक चिल्लाया, भाग भाग, और दोनों जिधर से आए थे वहीं भाग गए। मैं घबरा कर तेजी से आगे बढ़ने लगा, तभी मेरे छड़ी में कुछ टकराया। मैंने झुककर जानने की कोशिश की कि क्या है वो तुझा ताई थी। खून? तुझा ताई? तभी मैंने एक बाइक की आवाज सुनी। बाइक की आवाज? मोटरसाइकिल की? जी साहब, और वो बाइक 200 सीसी की थी। 200 सीसी की बाइक? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो 200 सीसी की मोटरसाइकिल थी? साहब, इन आंखों की रोशनी जाने से पहले मैं बाइक मैकेनिक था। मैं बाइक की आवाज सुनकर उस बाइक के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ साहब। अरे वाह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो बाइक पर दो लोग आए थे, उन्होंने तुलजाताई को मारा? जी साहब, उन दोनों ने ही तुलजाताई को मारा है। बस हाँ, वहां पर कोई तीसरा आदमी भी था। तीसरा? हाँ, उन दोनों के अलावा कोई और भी था। यार सारंगी, मगर ये तो कह रहा है कि दो लोग थे। साहब, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। दो लोग थे साहब। अच्छा, तुम यहाँ पर कब आए? वो तुलजा ताई के आने से थोड़ी देर पहले आए साहब। तो बस ये भी तो हो सकता है कि इनके आने से पहले वो आदमी छुप करके बैठा हो। साहब, अगर कोई तीसरा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता साहब। बस एक मिनट और मेरे साथ। ठीक है, अभी आते हैं। हैं? बैठ। आराम से सर, कहाँ जा रहा है? एक मिनट, ये निशान देख रहे हो बस? हाँ। वो आदमी यहाँ छुप करके बैठा था, इस दीवार के सहारे। ठीक, यहाँ पर? सुता, ये निशान पहले का? नहीं सचिन, ये पुराना नहीं हो सकता, ये जूतों के निशान एकदम फ्रेश है। और एक बार ये देखो, ये च्युइंगम एकदम ताजा है, फ्रेश है, लगता है किसी ने अभी खाई है। कौन कौन हो सकता है ये तीसरा आदमी? सर, सर वो आदमी जो तुलजा जी को यहाँ पर छोड़ने आया था, ऑटो वाला। पता लगाओ कौन रिक्शा वाला था जो तुलजा ताई को यहाँ पर लेके आया। लेकर आओ उसे। ये है वो रमेश, ऑटो वाला, जिसने तुलजा जी को यहाँ पे छोड़ा। सर, और ये तुलजा जी को यहाँ पर छोड़कर ऑटो में गैस भरने चला गया, अभी अभी वापस आया। लेकिन साहब, मैं तो तुलजा ताई को बता कर गया था। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, जब तुम तुलजा ताई को यहाँ पर लेकर आए, तब यहाँ पे और किसी को देखा है? कोई बाइक वाले थे या और भी कोई था? नहीं साहब। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक से याद करके बताओ।
अपने दिमाग पर जोर डालो। नहीं साहब। हाँ साहब, साहब में जब तुलजा ताई को लेकर आ रहा था तो दो बाइक वालों ने तुलजा ताई की चेन खींचने की कोशिश की, और साहब जब हमने उनका पीछा किया तो फिर मैंने तुलजा ताई को अपना मोबाइल दिया और बोला कि मेरे ऑटो वाले दोस्तों को फोन करें, वो नाके पे रहते हैं ना साहब अक्सर, तो उन्होंने पकड़ के उसको खूब पीटा, लेकिन साहब वो भागने में कामयाब हो गए। फिर तो ये काम सर चेन स्नैचर का ही है। दोनों चेन स्नैचर्स का स्केच बनवा लो इस रिक्शा वाले से। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सुराग ढूंढ लूं ताकि तुलजा ताई के खूनी को मैं फटाफट पकड़ सकूं। सिर्फ सोचा मत करो पंकज, जो कह रहे हो वो करके भी दिखाओ। अगर जो मैं सोच रहा हूँ मैंने करके दिखा दिया ना सर, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि आपके आगे मैं चले जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और आपको मुझे सल्यूट करना पड़ेगा। वो बात की बात है, हा? पहले सुराग ढूंढ के तो दिखा। अभी ढूंढता हूं। जा। साहब इधर ही आए थे वो लोग और उनको हमने इधर ही पकड़ा था। पर सर एक गलती हो गई, वो हाथ से भाग निकले। किस तरफ भाग के गया? इस तरफ सर। सर वहां पे ये हेलमेट मिला सर, ये देखिए ये बाल है सर। सर ये तो उसी का हेलमेट जो बाइक पे पीछे बैठा था। इस बाल का डीएनए निकालो, देखो इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, और इस रास्ते में जिन जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उन सबके फुटेज ले लो, पता चल जाएगा वो चेन स्नैचर कहां गया। सर उसके बाल है ना कर्ली टाइप के थे और मुंह है ना ऐसा लंबा था। सर इस मैप में जो रेड सर्कल्स दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इन जगहों पर चेन स्नैचिंग हुई है। जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा सर इन चेन स्नैचर्स का। मुझे सख्त नफरत है इन चेन स्नैचर्स से फ्रेडी, इनकी हिम्मत कैसे होती है किसी औरत को हाथ लगाने की। इन्हें तो जल्दी से जल्दी ढूंढना ही पड़ेगा, फिर चाहे ये लोग जमीन के नीचे क्यों न छुप कर बैठे हो, उखाड़ कर निकालेंगे इन्हें हम। सर ये वो जगह है जहाँ मीना पर हमला हुआ था, और ये वो जगह है जहाँ तुलजा जी का खून हुआ था और उनकी चेन निकाली गई थी, वो मंदिर वाली जगह। जरा देखो ये लोग चेन स्नैचिंग करने के बाद कहाँ जाते हैं। सर सर हमने उन सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से उनको ट्रैक किया और पता चला है कि सारे लोग यहां से इस तरफ जाते हैं। सर लगता है किसी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग। जरा ज़ूम करो, देखो कौन सी जगह है ये। भेड़ा स्लम्स। भेड़ा स्लम्स मतलब ये सारे लोग भेड़ा स्लम्स में इकट्ठा हो रहे हैं, जरूर उनका अड्डा होना चाहिए भेड़ा स्लम्स में। सर सर वो ऑटो वालों ने जिन चेन स्नैचर्स को घेरा था उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई। चलो देखते हैं। पूर्वी जल्दी प्ले करके दिखाओ। सर तीन लोकेशन की फुटेज है हमारे पास। सर ये पहली लोकेशन है सर, एक जनरल स्टोर के बाहर कैमरा लगा हुआ है। पूर्वी प्लीज नेक्स्ट। सर ये दूसरी लोकेशन है सर, सर एक और लोकेशन है सर, दिखा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों अपनी बाइक छोड़ के जा कहाँ रहे? वहीं पे जा रहे फ्रेडी, वहीं पर जहां पर उनका अड्डा है।
केड़ा स्लम्स में। सर, हाँ। चेन स्नैचर का स्केच बन गया। यही भीड़ा स्लम है, अगर उसे जरा भी भनक लगी ना हमारी तो भाग जाएगा। आ जाओ आराम से। सर ये चेंज हो रहा है सर। सर इन लोगों को गलत फहमी हुई है सर। सर कोई गलत फहमी नहीं हुई है सर, आप चाहिए तो इनका जेब चेक कर लीजिए। और चेक करो इन दोनों को। क्या चेक निकल। अब इन दोनों का मुंह चेक करो। भूगोल भूगोल एक सेकंड। सर ये देखिए सर, पूर्वी इन दोनों को स्केच दिखाओ। इसे पहचानते हो? देखो गौर से। सर नहीं पहचानता। नहीं सर नहीं पहचानते। ठीक है सचिन, बीरो लेकर चलो और बादाम खिलाओ इनको। नहीं सर, नहीं सर, बताता हूँ सर, ये चीना है। चीना कहाँ मिलेगा ये चीना? अरे जब मैं ये चैन खींच रहा था तो औरत इतनी जोर से चीखी कि वो तो डक मेरे भागी गया और मुझे भी इसके पीछे पीछे भागना पड़ा। हाँ मगर आप नहीं भाग पाओगे। कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी रुक। बताओ चीना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। चीना कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। चेन स्नैचिंग की कहानियां सुना रहे थे और चीना कहाँ है पता नहीं, बता जल्दी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर। अच्छा तो ठीक है, अगर तीन गिनने से पहले तुमने नहीं बताया कि चीना कहाँ है तो सचिन मालूम है ना क्या करना है? सर एक दो। सर बता दो सर। सर मैं बताता हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उसने एक नई जगह घर लिया है सर, पर मुझे एड्रेस नहीं पता है सर। अच्छा तो फिर वो तुम्हें कांटेक्ट कैसे करता है? तुम उसे कांटेक्ट कैसे करते हो बता जल्दी। सर फोन से सर। क्या नंबर है? 1144-444-68-790। सर ये इस वक्त रूट ऑफ क्यूब्स बार में है। पूरी देखो क्या लोकेशन है इस रूट ऑफ क्यूब्स बार का। सर तुलजा दाई की बिल्डिंग के सामने। रूट ऑफ क्यूब्स बार मतलब तुलजा दाई को मारकर ये बार में जाके बैठा। अरे बेवकूफ हो, यहाँ क्यों आए तुम लोग? काम हो गया है, माल दे दो बस। अबे अक्ल के दुश्मनों, मैंने तुम्हें उस तुलजा ताई को डराने को कहा था, जान लेने को नहीं। मगर इन्होंने खेल ही खत्म कर दिया। न रहेगा पास, न बजेगी बांसुरी। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सर हमने नहीं मारा तुलजा ताई को। सर किसने मारा? पता नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? उसके हाथ में चाकू था। हम तो चाकू देख के डर गए और तुरंत भागे वहां से। चेहरा देखा उसका? नहीं, उसने हेलमेट पहन रखा था। ये रॉबर्ट के कहने पे हम गए थे। हम तो बस औरत को डराने गए थे और वो चैन छीनने गए थे। अबे मैंने कब कहा तुमसे? सर ये झूठ बोल रहा है, इसने ही बोला। हमने सारी बातें सुन ली है समझे?
क्यों डराना चाहते थे तुलजा ताई को? हाँ सर, वो मेरा बार बंद कराने पे तुली हुई थी, रोज टंटा करती थी सर। अच्छा ये बताओ कि जब तुम लोग मंदिर गए थे तो तुमने बाइक कहाँ खड़ी की थी? सर वो क्या है कि ऑटो वाले ने हमारी बाइक देख ली थी, तो बस अपनी बाइक एक जगह खड़ी कर दी थी और हम मंदिर पैदल गए थे। किसी और बाइक वाले को देखा तुमने वहां? नहीं सर। मंदिर के उस भिखारी से मिलना होगा, देखना होगा कि वो कितना सच बता सकता है। रुको, हम तुम्हें कुछ बाइक्स की आवाजें सुनाएंगे, तुम ये बताओ कि मंदिर पर तुमने किस बाइक की आवाज सुनी थी। ठीक है? ठीक है सर। चलो शुरू हो जाओ। ये बाइक थी? नहीं साहब ये बाइक नहीं थी। ये? नहीं साहब। ये बाइक थी? नहीं साहब ये भी नहीं थी। ये? नहीं नहीं साहब ये भी नहीं थी। ये? नहीं साहब। हाँ साहब वो यही बाइक थी। तुम्हें पूरा यकीन है ना? हाँ साहब। कोई गलती नहीं हो रही? नहीं साहब बाइक खुद बोल रही है, ये वही बाइक थी। एक बार फिर से सुनो फिर बताओ। साहब बाइक खुद बोल रही है। ठीक है। ये ध्यान से सुनो, यही आवाज थी? नहीं साहब जगह सही है लेकिन ये बाइक ये नहीं है। ठीक है थैंक्स गोपो। सचिन जिसने भी तुलजा जी का खून किया है वो जानता था कि तुलजा जी हर सोमवार सुबह उस मंदिर में जाती है। एक काम करो आसपास जितनी बाइक्स है सब चेक करो, देखो किस किस के पास ऐसी बाइक्स है। मेरे घर के अंदर? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कौन है आप लोग? सीआईडी। आप लोग अंदर कैसे आए? जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम पहुंच जाते हैं। तुमने तुलजा ताई को क्यों मारा? कहाँ भाग रहे वासु? वैसे गुनहगारों के पैर नहीं होते हैं। हाँ गुनाह कबूल करने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। बट मैं नहीं मारा तुलजा ताई को। क्यों मारा? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं तुलजा ताई वाला फ्लैट बेचना चाहता था, मगर वह काफी सालों से उस फ्लैट में रह रही थी, इसलिए मेरे कहने से वो कभी खाली नहीं करती। इसलिए तुमने सोचा कि तुम तुलजा जी को मार दोगे, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो वो फ्लैट अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। हैं? मुझे पता था कि वो रोज मंदिर जाती है सोमवार को, और सबको पता था कि मैं नागपुर जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, इसलिए मैं मंदिर उनसे पहले पहुंच गया और वहां पे चिप कर उनका इंतजार करता रहा। मगर तुम भूल गए कि वहां एक और आदमी भी था। मगर वो आदमी तो देख नहीं सकता था। मगर सुन तो सकता था। उसने तुम्हारी गुनाह की आहट सुन ली और वो इस केस में चश्मदीद गवाह है। वासु तुलजा जी का फ्लैट तो तुम्हारा होने से रहा, हाँ तुम्हारे नसीब में जेल की काल कोठरी है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक कानून तुम्हें फांसी की सजा नहीं सुना देता।
इसे कड़े से कड़ी सजा देना, इसे फांसी देना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे का इलाज सीआईडी करवाएगी। हर्षद, आज अगर तुलजा ताई जिंदा होती तो अनुज को खेलता देकर कितना खुश होती ना। हाँ मीनू, सीआईडी के वजह से आज हमारा अनुज बिल्कुल ठीक हो गया। तुलजा ताई मरते दम तक सबका भला करती रही। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।